हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे नौकरी के बारे में बताता हूं, नए नए कंपनियों के बारे में बताता हूं, ज्वाइनिंग कैसे होता है उसके बारे में बताता हूं, किस किस क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है उसके बारे में बताता हूं। बस हमारी एक ही पहल होती है, जो भी हमारे भाई बेरोज़गार हैं उनको जॉब दिलाना, चाहे वो हमारी बहनें हों चाहे हमारे वो भाई हों। जॉब कैसे मिलेगा सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% जॉब की गारंटी हमारे चैनल की होती है और मैं आपको जॉब देने का वर्क भी करता हूँ। अभी समय हम नोएडा में हैं, लेकिन अभी जो हम जिस लोकेशन की हम जॉब बताने वाले हैं ये फरीदाबाद का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फरीदाबाद का होने वाला है और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी का नाम है PICL। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर हम बात करें तो मोटर मैन्युफैक्चरिंग करती है, चाहे वो AC का हो चाहे वो फ्रिज का हो, मोटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, प्लांट है और फुल्ली AC है, पसीना आने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप भी जॉब करना चाहते हो, अगर आपने ITI या डिप्लोमा कर रखा हुआ, सबसे बड़ी बात इसमें ITI का ऑल्टरेट ले रहा, डिप्लोमा का भी इसमें ऑल्टरेट ले रहा है। रहने खाने क्या सुविधा होगी, देखिए अगर वहाँ पर शेयरिंग पर रूम लेते हैं 3,000 से 3,500 रुपये में रूम आपको मिल जाता है फरीदाबाद के अंदर, अच्छा रूम मिल जाता है, उसमें 2 से 3 बंदे आराम से रह सकते हैं। अगर 3,000 की भी हुई तो भी 1,000 रुपये पर बंदे का आएगा। ठीक है, मान लीजिए खाना खर्चा आपका कुछ नहीं तो आपका 2,000 रुपये मान लो, ठीक है 2,000 रुपये खाना खर्चा आएगा तो महीने की आपके 3,000 रुपये आपका रहने और खाने का हो जाएगा। ठीक, और सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होने वाली है, इसमें OT 3 घंटे पर डे चलती ही चलती है। इसमें ITI एंड डिप्लोमा वालों की रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना 10th 12th वालों की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं दूसरी वीडियो उनके लिए लेकर आऊँगा। सारा कुछ हमने मेंशन कर रखा है, इसमें नोट कर रखा है, नोट हमने क्यों करा क्योंकि आज प्रिंट आउट नहीं था, हमारा ख़राब था तो इसलिए हमने ना प्रिंट नहीं लिया। ठीक है, कंपनी का नाम है PICL जो कि फरीदाबाद के लोकेशन के होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो AC के मोटर्स वगैरह बनाती है, फ्रिज के मोटर्स बनाती है। ठीक है, एज जो होने वाला है इसमें 18 से 30 होने वाला है। रिक्वायरमेंट की बात करें, टोटल रिक्वायरमेंट इसे 200 लड़कों की रिक्वायरमेंट है, 200 लड़कों की। जी हाँ दोस्तों, 200 लड़कों की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन होने वाला है आपका, किस किस क्वालिफिकेशन के ले रहे हैं इसमें, ITI ले रहा है प्लस डिप्लोमा ले रहे हैं। ITI वालों का भी ऑल्टरेट है और डिप्लोमा वालों का भी ऑल्टरेट है। ठीक है, पहले ITI वालों का हम स्टार्ट करते हैं। ITI ऑल्टरेट जो सैलरी होने वाली है 12,000 रुपये होने वाली है, 8 घंटे 26 दिन के। ठीक है, OT 48 रुपये पर घंटे हैं, जिसमें 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे पर डे चलती है, 3 से 3.5 घंटे पर डे चलना ही चलना है। नाइट अलाउंस आपका है 26 डेज का, जो नाइट अलाउंस है अगर आप नाइट में करते हो तो 26 दिन का जो आपको अलाउंस मिलता है वो 1,000 रुपये मिलता है एक्स्ट्रा। वीकली अलाउंस अगर बात करें, ऑन 6 डेज ड्यूटी आप करते हो तो 60 रुपये हर हफ्ते मिलेंगे आपको, ये वीकली अलाउंस है अगर 1 हफ्ता पूरा आप काम करते हो। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल OT वगैरह लगा के जो सैलरी आने वाली है ITI वालों की, इन हैंड आने वाली है 18,000 रुपये OT वगैरह लगा के। ठीक है, AC प्लांट है, आराम का काम है, कोई प्रेशराइज वर्क नहीं है, PICL फरीदाबाद के लोकेशन पे होने वाला। ये तो हो गया ITI वालों की, अब हम बात करें डिप्लोमा वालों की एंड ग्रेजुएशन वालों की। इसमें डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन वालों की भी हायरिंग है, डिप्लोमा वालों की भी ऑल्टरेट है, ग्रेजुएशन वालों की भी है। इसमें अगर हम बात करें तो जो डिप्लोमा वालों की जो सैलरी निकल कर आ रही है वो तकरीबन 13,000 रुपये निकल कर आ रही है डिप्लोमा वालों की। ठीक है, 8 घंटे 26 दिन की डिप्लोमा वालों की, 13,000 8 घंटे 26 दिन की है। ठीक है, OT 53 रुपये पर घंटे है और 3 से 3.5 घंटे पर डे चलनी ही चलनी है। ठीक है, और 3 से 3.5 घंटे पर डे चलनी चलनी है OT। इसमें नाइट अलाउंस सेम है, 26 डेज अगर आप काम करते हैं तो आपको 1,000 रुपये नाइट अलाउंस दिया जाएगा अगर आप नाइट में वर्क करते हैं तो, और अगर आप वीकली करते हैं वीकली आप वर्क करते हैं आपका पूरा अटेंडेंस रहता है तो वीकली अलाउंस जो है ऑन 6 डे ड्यूटी का जो होने वाला है वो 60 रुपये पर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, हमारा तो सैलरी मिल रहा है ना, ये तो हमारे को एक्स्ट्रा दे रहा है एज अ अलाउंस। अलाउंस क्या होता है कि मतलब आपने अगर 6 दिन काम किया, ड्यूटी किया आपने, तो आपको ये अलाउंस मिलेगा। ठीक है, इनकी जो सैलरी होने वाली है डिप्लोमा वालों की, इन हैंड 19,500 रुपये होने वाली विथ OT। ठीक है, ग्रेजुएशन वालों की जो सैलरी होने वाली 17,500 से 18,000 होने वाली है विथ OT, OT के साथ। यहाँ पर आपको विक्रम जी मिलेंगे, जो कि विक्रम जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, वो हमेशा से ही लोगों को जॉब देने का काम कर रहे हैं। अब इनके पास PICL कंपनी है जो कि फरीदाबाद के लोकेशन पे है, और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जॉब निकल कर आई है, अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन चेक करें, यहाँ पे हमने नंबर दे रखा हुआ है। और एक बात और, जो नोएडा के हैं वो ना कॉल करें, नोएडा में काम करने वाले जो फरीदाबाद काम करना चाहते हैं, फरीदाबाद के लोकेशन पर काम करना चाहते हैं, वही कॉल करें, क्योंकि
वहाँ से जो भी हमारे को गाइडलाइंस गाइड किया गया है कि भाई इसरार भाई आप वीडियो में ये बोलना कि नोएडा में जॉब करने वाला ना कॉल करे, वरना हमें क्या होता है, दिक्कत सी होती है। अब मान लीजिए फरीदाबाद के लोकेशन पर है और नोएडा वाले परेशान करेंगे, नोएडा वाले कहेंगे भैया हमें नोएडा में काम करना है, तो भाई नोएडा में कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो नोएडा से फरीदाबाद की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर है, नहीं और भी कम है यार, 30 किलोमीटर मान सकते हैं, 25 से 30 किलोमीटर मान सकते हैं। तो अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं जॉब मिल रहा है तो भाई आप मेरे चैनल से जुड़े, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे भाइयों का ये कमेंट्स रहता है कि इसरार भाई कॉल पिक नहीं हो रहा है, तो यार कॉल थोड़े बहुत कॉल नहीं आते साहब, कॉल बहुत आते हैं, अनलिमिटेड कॉल आती है, ठीक है। तो बंदे कॉल जो चार सुपरवाइजर या कॉन्ट्रेक्टर स्टाफ होते हैं ना, कॉल नहीं पिक कर पाते, रियली बता दें यार, खाने पीने का भी तो टाइम होता है, उस टाइम भी कॉल आता है, मैंने ये चीज़ें देखी है। अब इसमें हमारी या उनकी गलती नहीं है, आपकी भी इसमें गलती नहीं कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि अगर आप कॉल पिक नहीं हो रहा तो आप व्हाट्सअप करें। और दूसरी बात, इसमें मैंने क्या आपको मेंशन कर रखा है, हाँ फुली एसी का तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखो कॉल करने से जॉब नहीं मिलता, जॉब आने से मिलता है, कॉल करना कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ ठीक है, आपके जो भी क्वेरीज है आप उनसे पूछ सकते हो, ये ठीक है, लेकिन आप कहो कि जब तक कॉल पिक नहीं होगा तब तक हम जॉब के लिए आएंगे नहीं, तो यार हमारे पास एक कंपनी नहीं होती ना कि भाई एक कंपनी के पीछे हम पड़े रहे, या एक ही कंपनी है, या एक कंपनी में अगर क्लोज़ हो गया हायरिंग तो जॉब नहीं मिलेगी। हमारे पास तो बहुत कंपनियां होती है, और अगर टीम प्लस एचआर के जो ये हैं विक्रम जी हैं, ये तो प्रॉपर आपको जॉब भी देंगे, कॉल भी उठाएंगे। टेक महिंद्रा में बताऊँ, तकरीबन 100 बंदों की इन्होंने ज्वाइन करवाई है आज से 1.5 महीने पहले, हमारे इनके वीडियो आए थे जब ये नोएडा के अंदर में थे तब, अभी तो ये फरीदाबाद देख रहे हैं सारा। तो अगर आपको जॉब की नीड है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो दोस्त हमारे चैनल से जुड़े, और 100% जॉब देने की गारंटी हमारी है। और जो हमारे भाई कहते हैं कि इसरार भाई की वीडियो फेक होती है या आप फेक बनाते हैं, तो मैं तो यार डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अगर कोई ये साबित कर दे, ये प्रूफ कर दे कि इसरार भाई फेक वीडियो बनाते हैं, तो मैं 5,000 रुपये दूंगा, इन हैंड दूंगा PABSI काटने के बाद। लेकिन हाँ, लोकेशन पर लेके चलूँगा, उनसे भी मिलाऊँगा जिन्होंने मुझे JD दिया, जिन्होंने कहा सर हमारे पास वैकेंसी है, क्योंकि वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई सरार को सपोर्ट करना, क्योंकि ये जो मेहनत हो रही है, अभी आप लोगों ने देख लो चश्मा लगा रखा है ना, क्योंकि जो लाइट आ रहा है ना, धूप आ रही है ना, पूरी आँख पर आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सनग्लासेस लगा रखी, ताकि भाई धूप जो है ना वो चेहरे पर ना पड़े, और इधर थोड़ा क्लियरिटी आ रही थी ना, हमारे पीछे सैमसंग कंपनी है, सैमसंग डिस्प्ले, हालांकि इसमें तो हायरिंग नहीं है, जब इसमें हायरिंग होगी तब तो मैं आपको अपडेट करूंगा। हाल फिलहाल अगर आप PICL में करना चाहते हैं ना, PICL अच्छी कंपनी है दोस्त, आप एक बार जाओ तो सही। देखो यार, हम कंपनी में गए नहीं, हम स्कूल में कॉलेजों में गए नहीं, लेकिन हमने बता दिया कि वहाँ के टीचर, वहाँ की कॉलेज अच्छी नहीं है, ये गलत बात है। हम क्लास में गए नहीं, एक घंटे पढ़ा भी नहीं, हमने क्लासेस लिया नहीं, और बोल दिया कि भाई दूर से ये कंपनी अच्छी नहीं, तो हम और आप कौन होते जज करने वाले। कोई कंपनी बुरी नहीं होती, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के मैनेजमेंट थोड़ी बुरी हो सकती है। देखो यार, कंपनी का मालिक ये नहीं चाहेगा कि हमारी कंपनी बुरी हो, वो तो चाहेगा भाई पैसा लगा रहा है कि भाई कंपनी हमारे आए और ग्रोथ करे और ऊंचाइयों तक जाए। कोई बात नहीं, 19-20 हर कंपनियों में होता है, लेकिन हमारे को मैनेज करना पड़ेगा। अगर जिस दिन हमने मैनेज करना सीख लिया, उस दिन हम ऊंचाइयों तक पहुँच जाएंगे, सफलता मिलेगी हमें। आप स्क्रीन चेक करें, फरीदाबाद के लोकेशन का ही कंपनी होने वाला है, PICL। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक का, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई साहब को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नई नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।